सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी देख सकते हैं मेरा टैंक का हाल कुछ इस तरह का है, मतलब ये बिफोर एंड आफ्टर करेंगे इसका। तो आप इसका यूज़ करके ये स्क्रैच हटा सकते हैं इस प्रोडक्ट का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो इसका यूज करके आप हटा सकते हैं स्क्रैच। तो अभी इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं पूरे टैंक पे, आपको सर्कुलर मोशन में मूव करना है इसे। देख सकते हैं भाई, ये पूरा ये हो रहा है, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट आपको ये हो रहा है, टैंक मिल रहा। थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा सा और इसे ले लेते हैं पूरे टैंक पे अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है पूरे पूरे टैंक पे, सर्कुलर मोशन में, मतलब पूरे टैंक पे ही अप्लाई कर देना। फिर उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, मतलब इसे साफ करेंगे पूरा कि स्क्रैच रिमूव होता है कि नहीं। तो अभी इसे पूरा साफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं रिजल्ट, ये पूरा मतलब स्क्रैच रिमूव हो चुका है। ये रिजल्ट देख सकते हैं आप, मतलब इस प्रोडक्ट का यूज़ करके आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो पूरा हट गया, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी लिटिल बिट स्क्रैच है, तो इस पर भी अभी ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी लगा देते हैं इस सरफेस पे अभी। तो रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जितना स्क्रैच वगैरह सा सर रिमूव हो गया है, मतलब ये स्पॉट नया हो गया है फिर से। देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है ये। तो ये क्लीनर के तरह भी यूज होता है ये। तो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं फेस ये सो रहा है पूरा, यहाँ पे कितना साइन कर रहा है ये प्रोडक्ट। तो अभी टैंक का भी देख सकते हैं कितना टैंक पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है अभी। टैंक पूरा चेंज हो चुका है मेरा, मतलब पहले बहुत ये डल हो गया था, मतलब ये आफ्टर सिरामिक कोटिंग। तो अभी पूरा शाइन कर रहा है। तो अभी यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डस्ट वगैरह भी है, तो यहीं से यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। थोड़ा थोड़ा इस पर ये कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको सिंपली रब करना है, जो सरफेस पे ज़्यादा स्क्रैच वगैरह है तो उससे सिंपली आपको रब करना है इसे। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, तो यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो डीप स्क्रैच होता है वो मतलब रिमूव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप है, ये पेंट ही कर चुका है, तो कहीं कहीं का रिमूव हो जाएगा। जो सिंपल रहेगा, मतलब जो नॉर्मल स्क्रैच रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। तो रिजल्ट देख सकते हैं इधर का, मतलब कितना क्लीन हो गया ये पहले से पूरा ज़्यादा क्लीन हो चुका है अभी। पूरा पहले से ज़्यादा साइन कर रहा है ये, मतलब देख सकते हैं पूरा साइन कर रहा है ये पहले से ज़्यादा। अब ये इस सरफेस पे ट्राई करते हैं, ये सरफेस पे आप देख सकते हैं पूरा मतलब ये हो गया डॉट डॉट टाइप का पूरा स्क्रैच है थोड़ा बहुत। तो ये सरफेस पे अभी ट्राई करते हैं। तो ये लाइट पे कर लेते हैं ट्राई पूरा। थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्क्रैच वगैरह था इस पर, तो ये लाइट पे भी काम करता है, वैसे पूरा रिमूव हो जाता है। देख सकते हैं ये मतलब रिजल्ट कितना अच्छा आया, मतलब पूरा स्पॉट वगैरह सब रिमूव हो गया और ये
नए के जैसा हो गया है, पूरा नए के जैसा साइन कर रहा है ये पूरा। तो अभी मीटर पे ट्राई कर लेते हैं, बाय द वे ग्लास पोर्शन होता है तो इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो रिजल्ट देख सकते हैं, ये काफ़ी मतलब पहले से ज़्यादा साइन कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया ये पहले से। ये इसका प्रोडक्ट का यूज़ करके आप ग्लास पे भी मतलब स्क्रैच वगैरह रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा मेरा RS 200, तो इसमें ये रहा मेरा RS 200, तो इसमें मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था ये प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट को ये पहले ही यूज़ कर दिया था मैंने RS पे, तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा कपड़ा रब करने के बाद पूरा साइन करने लगता है, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह सब हट गए थे। तो पहले ही यूज़ कर दिया था मैंने अपने RS पे। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं इसे। तो ये टैंक वगैरह पर पूरा अप्लाई किया था मैंने, तो पूरा जितना स्क्रैच था मेरे बाइक का सब हट गया था। देख सकते हैं टैंक का भी थोड़ा सा वाइप करने के बाद, कपड़ा वाइप करने के बाद ये पूरा साइन कर रहा है। और आगे की तरफ भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था इसे, तो ये देख सकते हैं पूरा साइन कर रहा है थोड़ा सा कपड़ा वाइप करने के बाद भी। तो इस प्रोडक्ट का यूज किया था मैंने अपने आर्ट्स पे।